दोस्तों आप सभी ने रेडी पे कोकोनट वाटर जरूर पिया होगा, लेकिन अब इसको टक्कर देने के लिए आ गया है फ्लिक्स का कोकोनट वाटर, जो कि मात्र 20 रुपए का आता है, बहुत ही इजी टू कैरी है। लेकिन क्या ये सच में कोकोनट वाटर जितना बढ़िया है भी? इसके इंग्रेडिएंट देखें तो सबसे पहले है सुक्रोस, यानी कि चीनी, मात्र 6 ग्राम ही है, लेकिन जो हम बाहर कोकोनट वाटर पीते हैं उसमें एडिड शुगर नहीं होता। देन इसमें स्प्रे ड्राइड कोकोनट वाटर है, यानी कि प्रोसेसिंग की जाती है जिससे कि लिक्विड का सारा मॉइस्चर हट जाता है और ये पाउडर फॉर्म तैयार होती है, लेकिन हाइट की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस एंड फ्रेशनेस जा सकती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स कंपेयर करें तो इसमें सोडियम एंड पोटेशियम सही क्वांटिटी में है। देन इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और डी बाहर से ऐड किए गए, लेकिन उनकी क्वांटिटी मेंशन नहीं करेगी तो हम नहीं जानते कि कितना डाला गया है। आप लोग मेरा आंसर जानना चाह रहे थे तो मुझे बस ये थोड़ा कन्वीनियंट लगा, लेकिन इसे नेचुरल कोकोनट वाटर से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी ताजगी और न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा ही बेटर रहेगी। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों यहां सुचित्र भाई ने दिखाया अजमेर का बुलेट सोडा, आप खुद ही देखिए कितना पॉपुलर है, लेकिन आजकल इससे भी ज्यादा पॉपुलर है ये लाहौरी जीरा, जो कि सोडा ही है जिसका 250 करोड़ का टर्नओवर है। इसमें लेमन और जीरा, जो कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है, लेकिन इसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। छोटी सी बोतल में 18.9 ग्राम शुगर है, जो कि मार्केट में मिलने वाली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज्यादा है। इसके अंदर बहुत से एडिटिव्स भी मिलाए गए हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, कलर INS 150D, इमल्सिफायर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह। इन्हें सेफ कंसिडर किया गया है, लेकिन इन सब पे कॉन्ट्रोवर्सीज भी है, जो कि मैंने कैप्शन में मेंशन कर दी है। तो दोस्तों अगर आप इसे टेस्ट के लिए पी रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप इसे डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए पी रहे हो तो मैं बता दूं सोडा डाइजेशन इंप्रूव नहीं करता। गैस पीने से गैस बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि गैस बढ़ भी सकती है। तो इससे बेटर है कि आप नींबू पानी या फिर ये वीडियो देखकर शिकंजी घर पे बना के पी सकते हो। तो अगर आप अच्छा वे प्रोटीन लेना ही चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो एज इट इज एटम वे प्रोटीन, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी एक सर्विंग में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 12.2 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.7 ग्राम BCAA एंड 4.5 ग्राम ग्लूटामिन। द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने यहाँ पे अपनी अमीनो एसिड प्रोफाइल शो कर रखी है, जो मैच भी करती है इनकी प्रोटीन पर सर्विंग से। आप जानते हैं कि वे प्रोटीन बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट में लेना, आप चाहो तो दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा एडिड शुगर नहीं है, तो यस हम सभी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, एंड जो एथलीट है वो भी इसे ले सकते हैं क्योंकि GMP सर्टिफाइड है, डोप फ्री है एंड हैवी मेटल टेस्टेड भी है। ऑल्सो एज इट इज एटम वे लैबडोर सर्टिफाइड एंड ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी दे रखा है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। तो यस, मैं ये प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ, और अगर आप भी ये लेना चाह रहे हो तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर ये खरीद सकते हो। आप ऑल्सो मेरा कोड भी यूज कर सकते हो दीपक एज इट इज फॉर एक्स्ट्रा 5% ऑफ। दोस्तों ये वीडियो देखकर ही जलन सी होने लगी। कुछ लोग इतना स्पाइसी खाना खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग खाते हैं कि एसिडिटी की समस्या हो जाती है, और फिर लोग फटाफट इनो ले लेते हैं क्योंकि वो दावा करती है कि 6 सेकंड के अंदर एसिडिटी और पेट की जलन से राहत। एंड यस, इनो काम करती है, ये स्टमक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे कि वो जलन खत्म हो जाती है। सो यस, आप ये कभी कभार ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक लेते रह गए तो फिर आपकी डाइजेस्टिव फायर भी स्लो कर देती है, यानी आप खाना ठीक से पचा नहीं पाओगे और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती चली जाएगी। एंड इनो के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म लेने से कुछ लोगों को हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। एंड अगर आप इनो ले ही रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलर फ्लेवर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एडिटिव्स नहीं है। एंड मैं अपनी फेवरेट रेमेडी कैप्शन में शेयर कर रहा हूं, आपको भी कोई रेमेडी पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।